जय श्री माता जी। मैं मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। लीवर के लिए जो ट्रीटमेंट हम करते थे, लाइक कैंडल ट्रीटमेंट, पर मैंने राम भैया को फ़ोन करके पूछा कि मेरा लीवर लिथार्जिक और फैटी लीवर है, तो ऐसे समय पर कैंडल कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि इसके बदले में आप कैंडल ना करें, आप बैठ के श्री माता जी के सामने दिया जलाइए और बैठ जाइए, और राइट हैंड से आपको लीवर को बंधन देते रहना है 1000 times, और लेफ्ट हैंड उस समय श्री माता जी के पास सामने हो। तो मैंने उसी तरीके से दिया जला के श्री माता जी के यहाँ पे ज़मीन पर बैठ के लेफ्ट हैंड श्री माता जी के तरफ राइट हैंड से बंधन देना शुरू किया। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरे शुरुआत में कानों में बहुत गर्म और मेरा पूरा फेस गर्म हो गया था। धीरे धीरे वो बहुत गर्म होने के बाद मैंने लेफ्ट हैंड के उंगलियों पर वाइब्रेशंस महसूस करने लगे। तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट हार्ट पर वाइब्रेशंस महसूस हुए, फिर धीरे धीरे लेफ्ट आदन्या पर, फिर लेफ्ट नाभि पर। उसके बाद आगे जाने में थोड़ा टाइम लगा, पर फिर बाद में लेफ्ट विशुद्धि और स्वादिष्ठान, और फिर उसी समय साथ साथ मेरे फेस का जो गर्म जो लग रहा था वो भी नॉर्मल हो गया, और धीरे धीरे पूरे लेफ्ट हैंड को मेरे सारे वाइब्रेशंस आ गए जो पहले इतने नहीं आ रहे थे। फिर नॉर्मल हुए वो वाइब्रेशन, और फिर सहस्त्रार से सिर्फ बीच में से अच्छा इतना फील हुआ, और वाइब्रेशंस पूरे हाथ में आए और ठंडा महसूस होने लगा। साथ साथ मैं इसी सारे समय पर अपना लीवर पर बंधन देती रही थी, और साथ साथ ये वाइब्रेशंस मुझे इस तरीके से महसूस हुए। फिर बाद में मैंने ये राम भैया के साथ शेयर किया कि ये ऐसे करने से मुझे बहुत शरीर में लाइट महसूस हुआ और वाइब्रेशंस अच्छे महसूस होने लगे जो लेफ्ट हैंड में उस समय कैंडल करते समय नहीं आ रहे थे। तो मेरा लिथार्जिक और फैटी लिवर होने की वजह से मैंने वाइब्रेशंस दिए लाइट हैंड से अपने पूरे लीवर पर। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये शेयर करना चाहिए कि जिनका लीवर इस तरीके का थोड़ा फैटी और लिथार्जिक हो, वो अगर इस तरीके से ट्रीटमेंट करे तो उन्हें भी वो फ़ायदा मिले। इसके लिए मैंने ये एक्सपीरियंस, ये अनुभूति मेरी शेयर की है। जय श्री माता जी टू ऑल।